वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट बी टेट ना जाने कौन सा टीईटी पास करके आप बैठे हुए हैं टीचर बनने के भरोसे। टीचर बनने के भरोसे बैठे रहने से फ़ायदा क्या है? समय का इंतज़ार आप कर रहे हैं, क्या समय आपका इंतज़ार कर रहा है? इससे बेटर है कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका अर्निंग भी शुरू हो, आप जो है इंगेज भी हो जाएं, यानी खाली समय शैतान का, यानी आपके पास वैसा खाली समय नहीं बचे। तो किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपका जो प्रेजेंट टाइम है उसको आपको इंगेज करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर आपका ब्राइट हो सके, गोल्डन हो सके, डायमंड हो सके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहली बात यह है कि अगर बीटेट सीटेट कोई भी टेट आप पास हैं तो आप शिक्षक बनने की का इंतज़ार नहीं करें। इंतज़ार क्यों नहीं करें? शिक्षक बन के भी आप पढ़ाएंगे तो क्या ना अभी से ही आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप किसी भी रेपुटेड स्कूल में जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, तो उसमें क्या है, सीटेट कंपलसरी कर दिया है। तो जब आप ऑलरेडी सीटेट कंपलसरी कर दिया है, सीटेट क्वालिफाई हैं, तो निश्चित रूप से आपको वर्तमान को इतना ज़्यादा इंगेज कर लेना चाहिए कि फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाए। इंगेज करने का सेंस ये है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। जीवन में अगर कुछ भी हो, अगर आप 5 आदमी का भी जीवन को संवारने में आप सहयोग कर दें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपकी दी हुई शिक्षा को वो जीवन भर इम्प्लीमेंट करेगा और वो तब तक फलीभूत होगा जब तक उनकी जीवन रहेगी, तब तक उनका जो है प्रतिफल आपको मिलता रहेगा। इसलिए जीवन में जितना हो सके शिक्षा का दान करना चाहिए। और शिक्षा के दान के लिए अगर आपको लाइसेंस की आवश्यकता हो, यानी सरकार के टीचर बन के आप शिक्षा का दान करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जब समय आएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में आप केवल और केवल शिक्षक बनने के भरोसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन का जो गोल्डन टाइम है उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे? इससे बेटर है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से आप किसी भी ऐसे टॉपिक को पढ़ाएं जिस टॉपिक के बारे में आपको बृहद जानकारी हो, उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। हो सकता है कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कंटेंट हजारों लाखों की मात्रा में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास जो उसका कंटेंट है और समझाने का तरीका है, हो सकता है कईयों का जीवन संवार दे। इसलिए बेटर है यूट्यूब के माध्यम से ही आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म का प्रिपरेशन कीजिए और निश्चित रूप से अपने ज्ञान का जो है प्रदर्शन कीजिए लोगों के सामने। और हो सकता है उसमें से मान लिया जाए 1 लाख आदमी देखा, उसमें से 1 आदमी का भी जीवन अगर संवर गया तो उनकी जो दुआ मिलेगी वो किसी दवा से कम नहीं होगी। इसलिए आपको वर्तमान समय का उपयोग करते हुए निश्चित रूप से शिक्षा का दान जारी कर देना चाहिए। और किसी भी राष्ट्र का वृद्धि एवं विकास में सहयोग का सबसे पहला माध्यम है शिक्षा। और शिक्षा जो आप ऑलरेडी शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा का दान शुरू कर देना चाहिए। सरकार जब जो लाएगी उसके एलिजिबल आप हैं तो निश्चित रूप से हम उस लाइन में खड़े हो जाएंगे जब वो समय आएगा। लेकिन वर्तमान समय का सदुपयोग नहीं करें ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से हमेशा आपके जीवन से शिक्षा का कनेक्शन वैसा होना चाहिए जैसे भोजन और जीवन का है, यानी जीवन नहीं है तो भोजन नहीं, भोजन है तो जीवन नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भूख नहीं है और भोजन बहुत ज़्यादा है तो भी जीवन का संतुलन अच्छा नहीं है। आपके पास भूख है लेकिन भोजन नहीं है तो भी संतुलन नहीं बनेगा, यानी इस सेंस है भोजन भी होना चाहिए तो भूख भी होना चाहिए। ये दोनों में से अगर कोई नहीं है तो फिर जीवन में न सुख है न शांति है। अगर आपके अंदर मान लीजिए कि नींद नहीं है और बिछावन है, बहुत बढ़िया बढ़िया मंजिल है, बहुत बढ़िया बढ़िया भवन है तो भी दिक्कत है। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है और नींद बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। ऐसी स्थिति को बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे कारगर वेपन जो है वो है शिक्षा। शिक्षा का दान हमेशा हमको करते रहना है, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो, अपने आसपास के बच्चों को आप शिक्षित करें, बड़ों को शिक्षित करें, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप दुनिया में शिक्षण देने के लिए आप अपने उपको उतारू कर दें। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर वो हिम्मत और जज्बा नहीं हो पाता है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का भंडारा भरा होता है। तो दोस्तों, मैं बताऊं, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि आप करोड़ों में चले जाएं। ऐसी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर हो सकता है माँ सरस्वती की अगर दया हुई तो निश्चित रूप से आप उसी लाइन में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आपको अपने वर्तमान समय का सदुपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए और किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, जीवन को संवारना है तो आपको प्रतिपल का उपयोग करते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।